मान्यता है कि वह नेत्रहीनों को आँख देते हैं, जो चल नहीं सकते उन्हें पैर देते हैं। वह अपने संतानहीन भक्तों को संतान का वरदान देते हैं और बीमारों को ठीक कर देते हैं। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के देवता बाबा रामदेव की, जो बाबा रामसा पीर के नाम से विख्यात हैं। बाबा जाति धर्म से परे हैं। वह हिंदुओं के बाबा हैं और मुस्लिमों के पीर। जैसलमेर के रामदेवरा गांव में बाबा रामदेव का मंदिर है। यहाँ वैसे तो ज्यादातर भक्त अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए कपड़े का एक छोटा सा घोड़ा चढ़ाते हैं, लेकिन मंदिर से अनुमति लेकर असली घोड़ा भी चढ़ाया जाता है, जिनको बाद में मंदिर के अस्तबल में रखा जाता है। पश्चिमी राजस्थान में लोक देवता बाबा रामदेव हर कण और हर मन में समाए हैं। माना जाता है कि बाबा रामदेव का जन्म महाभारत के योद्धा अर्जुन के वंश की 72वीं पीढ़ी में हुआ था। जन्म की तारीख और स्थान पर थोड़ा मतभेद है। अपनी किताब बाबा रामदेव की प्रमाणिक जीवनी में डॉक्टर सोना राम बिश्नोई ने लिखा है, बाबा का जन्म विक्रम संवत 1409 यानी साल 1352 में हुआ था। बालक रामदेव के पिता का नाम अजमल और माँ का नाम मैना दे था। उनके बड़े भाई का नाम बीरमदेव था। बाबा रामदेव का जन्म जिस तोमर क्षेत्रीय वंश में हुआ, उसमें अनंगपाल जैसे वीर राजा भी हुए हैं। देश विदेश में फैले अनगिनत भक्त बाबा रामदेव को द्वारिकाधीश श्री कृष्ण का अवतार मानते हैं। बचपन में बाबा रामदेव के अवतार लेने की एक कथा भक्तों के बीच बहुत प्रचलित है। मान्यता है कि मैना देव अपने बच्चे बीरमदेव को पालने में लिटाकर घर के काम में व्यस्त थी। तभी बीरमदेव की चचेरी बहन सुगना पालने के पास पहुंची। सुगना ये देखकर हैरान रह गई कि पालने में दो बच्चे थे। मैना दे वहाँ आई और डर कर अपने पति अजमल को भी बुला लिया। अजमल ने दूसरे बच्चे को देखा तो उन्हें द्वारिकाधीश श्री कृष्ण से मिला वह वरदान याद आया, जिसमें उन्होंने अजमल के घर अवतार लेने की बात कही थी। सोनाराम विश्नोई आगे लिखते हैं, बचपन में बालक रामदेव खेलते खेलते जंगल में ऋषि बालीनाथ के आश्रम पहुंच गए। आश्रम में भैरव नाम का राक्षस आता था। भैरव ने बालक रामदेव का वध करना चाहा, लेकिन प्रतापी बालक ने भैरव राक्षस को मार दिया। बाबा रामदेव के 13 मुख्य चमत्कार जागरण में भजन के तौर पर गाए जाते हैं। मारवाड़ी बोली में इन चमत्कारों को परचा और जागरण को जम्मा कहा जाता है। एक मान्यता है कि बालक रामदेव ने बचपन में घोड़े पर बैठकर घूमने की जिद की तो माँ मैना देने दर्जी को बुलाया और कपड़े का घोड़ा बनवाया। रामदेव उस घोड़े पर बैठकर उड़ गए। माँ को लगा कि दर्जी ने कोई जादू किया है। उसी समय दर्जी को कैद कर लिया गया। दर्जी ने मन ही मन रामदेव का स्मरण किया और वह लौट आए। घोड़ा आंगन में दाना खाने लगा। बालक रामदेव ने तुतलाते हुए दर्जी से कहा कि उसने नया कपड़ा छिपाकर पुराने कपड़े से घोड़ा बनाया था, इसलिए उसे दंड मिला। बाबा के चमत्कारों की अनगिनत कथाएं हैं। बचपन में एक बार बाबा के दोस्त सारथिया की अचानक मौत हो गई। बाबा को सारथिया नहीं मिला तो वह उसके पास पहुंचे। बाबा ने सारथिया को हाथ पकड़कर उठाया तो उसके प्राण लौट आए। बाबा राम सपीर का अमरकोट के राजा की बेटी नेतल दे से विवाह तय हुआ। लकवे के कारण नेतल दे के दोनों पैर खराब थे। शादी की रस्में शुरू होते ही नेतल दे के दोनों पैर ठीक हो गए और उन्होंने चलकर फेरे लिए।
मुस्लिम जनमानस के बीच बाबा रामदेव रामसा पीर बने। पीर का अर्थ है सिद्ध महात्मा। बाबा रामदेव के चमत्कारों की कहानियां जब मक्का पहुंची तो वहां के मौलवियों ने 5 पीरों को बाबा की परीक्षा लेने भेजा। 5 पीर जब बाबा के पास पहुंचे तो वह जंगल में घोड़े चरा रहे थे। बाबा ने सभी पीरों को बैठने के लिए कहा, लेकिन वह धूप में ही बैठ गए। 5 पीरों ने अपनी दातुनों को चीर जमीन में गाड़ दिया और कुछ ही पलों में दातुन पीपल का पेड़ बन गए थे। बाबा रामदेव समझ गए। बाबा ने जब 5 पीरों से भोजन करने का आग्रह किया तो उन्होंने कहा कि वह सिर्फ अपने खास बर्तन सीपियां में ही भोजन करते हैं। बाबा के चमत्कार से 5 सीपियां मक्का से पीरों के पास पहुंच गई। 5 पीरों ने बाबा रामदेव का श्रेष्ठ मान गुणगान किया। बाबा रामदेव समाज सुधारक भी थे। एक कथा के अनुसार अछूत माने जाने वाली मेघवंश की कन्या हेमीबाई को ससुराल से निकाल दिया गया। हेमीबाई को गेनीबाई नाम की महिला ने शरण दी। एक दिन हेमीबाई गाय चराने के लिए जंगल गई। शाम के समय एक गाय ऐसी बीमार हुई कि उठ ना सके। जंगली जानवरों से डरी हेमीबाई गाय के पास ही बैठी रही। वह रो रही थी। तभी एक घोड़े पर सवार होकर बाबा रामसा पीर वहां आ पहुंचे। इसके बाद हेमीबाई बाबा रामदेव की पूजा करने लगी। बाद में हेमीबाई को बाबा की अनन्य भक्त के तौर पर जाना गया। जोधपुर के पीलवा गांव में आज भी हेमीबाई की समाधि पर मेले लगते हैं। ये तो हुई बाबा रामदेव के अलौकिक चरित्र की बात। अब बात बाबा के मंदिर और अन्य चीजों की। सोनाराम विश्नोई कहते हैं, बाबा रामदेव ने सिर्फ 33 साल की उम्र में विक्रम संवत 1442 यानी 1385 में जीवित समाधि ले ली। हिंदू पंचांग के अनुसार यह दिन भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी थी। समाधि लेने की जगह थी जैसलमेर की पोखरण तहसील का रुणीचा गांव। इस गांव को अब रामदेवरा के नाम से जाना जाता है। मारवाड़ी में देवरा का अर्थ होता है मंदिर। राजस्थान मारवाड़ क्षेत्र में बाबा रामदेव अब जीवन का एक हिस्सा है। यहाँ जगह जगह बाबा रामदेव के मंदिर बने हुए हैं, जिन्हें रामदेव का थान कहा जाता है। रामदेव नाम के हजारों लोग और हजारों दुकानें मिल जाएंगी। बाबा रामदेव का नाम यहाँ इतना पवित्र है कि किसी झगड़े या विवाद में रामदेव की सुगंध खाई जाती है। भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से एकादशी तक रामदेवरा में विशाल मेला लगता है। इसे पश्चिमी राजस्थान का महाकुंभ भी कहा जाता है। दूज को मेला चरम पर होता है। रामदेवरा गांव के सुरपथ चोरड़िया के अनुसार दूज से तीज तक मंदिर लगातार 36 घंटे खुला रहता है। इस दौरान 5 से 6 लाख भक्त बाबा की समाधि के दर्शन करते हैं। वे बाबा को भोग के साथ एक झंडा और कपड़े का घोड़ा अर्पित करते हैं। घोड़ा इसलिए चढ़ाया जाता है कि बाबा रामदेव हर समय घोड़े के साथ रहते थे। उन्हें अपना घोड़ा बहुत प्रिय था। ऐसा नहीं कि बाबा रामदेव को सिर्फ कपड़े के घोड़े ही अर्पित किए जाते हैं। मनोकामना पूरी होने पर कुछ भक्त असली घोड़ा भी दान करते हैं। सुरपत कहते हैं, रुणीचा कुएं के पास मंदिर समिति का एक अस्तबल है। वहां 8 से 10 घोड़े हैं। असली घोड़ा चढ़ाने के लिए पहले मंदिर समिति से अनुमति ली जाती है। घोड़े के खाने पीने का कुछ इंतजाम दानदाता करते हैं तो कुछ मंदिर ट्रस्ट। भादों के महीने में राजस्थान के कोने कोने से श्रद्धालु पद यात्रा करते हुए रामदेवरा पहुंचते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। पद यात्रियों की सेवा
हर स्वागत का कुछ ऐसा ही इंतजाम होता है जैसा यूपी में कांवड़ियों का।